प्रदेश पंचायत सचिव संगठन छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रदेश के 146 ब्लॉक के 10,568 पंचायत सचिव अपनी एक सूत्री मांग परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण को लेकर 16 मार्च 2023 से काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। हड़ताल के 23 दिन पूरे होने के बावजूद शासन प्रशासन ने अभी तक इनकी कोई सुध नहीं ली है। वहीं प्रदेश पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि 27 वर्ष से वो सेवा देते आ रहे हैं, बावजूद इनके उन्हें शासकीय सेवक घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से यह भी कहा कि अगर उनके मांगे समय रहते पूरी नहीं कर ली जाती तो आने वाले दिनों में वे आत्मदाह करेंगे। हमारे प्रगतिरत आंदोलन के संबंध में प्रदेश पंचायत सचिव संगठन छत्तीसगढ़ के द्वारा 146 ब्लॉक के 10,569 पंचायत सचिव अपने एक सूत्री मांग परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण को लेकर 16 मार्च 2023 से काम बंद कलम बंद हड़ताल पर ब्लॉक स्तरीय हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल के 23वें दिन की ओर अग्रसर है, परंतु शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई बातचीत हमसे नहीं किया गया है। हम 27 वर्ष से सेवा देते आ रहे हैं, 27 वर्ष सेवा के बाद भी हमें शासकीय सेवक घोषित नहीं किया गया है। पंचायत सचिवों को हड़ताल में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सबको बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनके निवास में पंचायत सचिवों के प्रतिनिधि मंडल से 24 जनवरी 2021 को पंचायत सचिवों का दिसंबर 2021 में शासकीयकरण करने का वादा किया था। पुनः माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पंचायत और शिक्षक सम्मेलन इंदौर स्टेडियम में दिनांक 29 मार्च 2022 को भी पुनः माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंच से आप सबका शासकीयकरण करूंगा करके ऐसा आश्वस्त किया गया था, घोषणा किया गया था। उसके बाद माननीय पंचायत मंत्री रविंद्र, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारा ये आंदोलन है, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आंदोलन जो है और उग्र होता जाएगा और जन आक्रोश के साथ परिवर्तित हो जाएगा। आगामी समय में हम भूख हड़ताल करेंगे, क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा सकारात्मक पहल नहीं करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह भी करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन।